सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। एक चरण में चुनाव होगा तो ये बड़ी तारीखें हैं, ऐलान कर दिया गया है। और अब जो सबसे बड़ी और अहम बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि 15 जनवरी तक सभी रैलियों पर, रोड शो पर, पदयात्राओं पर, डोर टू डोर कैंपेनिंग पर रोक लगा दी गई है। वर्चुअली फाइट करनी है सभी दलों को और ये एक बड़ी मुश्किल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, वर्चुअली डिजिटली अगर हम बात करें तो तमाम पार्टियां, किसी ने पन्ना प्रमुख तैयार किया है, किसी ने क्षेत्र प्रमुख तैयार किया है, यहां पर अब बारी डिजिटल प्रमुखों की है। यानी जो डिजिटली जितना स्ट्रांग होगा उसकी रैली को उतने ही लाइक्स मिलेंगे और अब डिजिटल फाइट की बारी है। वरुण, आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल दोहराएं। हाँ वरुण, मैं कह रही थी कि अब तक हमने ये देखा कि लोग क्षेत्र प्रमुख बनाते हैं, ब्लॉक स्तर पर आप चीजें तैयार की जाती हैं, इस बार देखिए डिजिटल प्रमुख की बारी है। यानी डिजिटली ये फाइट होगी, जितना जो दल डिजिटली स्ट्रांग होगा, यानी अब लोग इस पर फाइट करेंगे कि हमारी रैली में इतने लाइक्स आए, इतने व्यूज आए, मतलब कलेवर ही चेंज कर दिया गया है पूरा। देखिए, ये अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो सोशल मीडिया का वैसे ही बहुत बड़ा रोल हो गया है कैंपेन में। भले ही आज भी पुराने अंदाज में रैलियों में भीड़ जुटाना, रोड शो करना उसका एक अंदाज है, लेकिन खुद तमाम पार्टियां मानती है कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया के लिए बाकायदा पार्टियां बजट अलॉट करती हैं, उसके लिए लोग रखे जाते हैं, हायर किए जाते हैं, कैंपेन किया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है। तो सोशल मीडिया ठीक ठाक चर्चा में है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को खूब यूज किया जाता है। हाँ, अब इसके जरिए हर घर में पहुंचने की कोशिश होगी। किसी एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर वो पहुंचा या फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कितने लोगों तक रीच बन पाई, कहां तक पहुंच पाए, ये बहुत सारे पैमाने होंगे और उस पैमाने के आधार पर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसकी तैयारी लगभग लगभग नजर आ रही है। अब ये कितना वर्चुअली होता है ये देखना है। 15 तारीख के बाद भी अगर रोक लगी रहती है तो होगा क्या और किस तरह से कैंपेन होगा, किस तरह से लोगों से कनेक्ट होंगे नेता, कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे, वर्कर वोट कैसे मांगेंगे, पार्टियों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप लगातार फील्ड पर हैं वरुण, अब क्या आपने ये महसूस किया या आप ये पता चल पाया कि जो पार्टियां हैं वो इस तरीके से तैयार थी कि डिजिटली भी हो सकता है, पदयात्राओं पर, रैलियों पर रोक लग सकती है, इसके लिए क्या पार्टियां पहले से प्रिपेयर थी? देखिए, पार्टियां इतनी तैयार तो नहीं थी कि पूरा डिजिटल मोड में चला जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन की लहर 15-20 दिन 25 दिन पहले भारत में एक तरह से दिखी और चुनाव में 3-4 महीने से पार्टियां जुटी हुई है। लेकिन ये बात सच है कि उनको झटका जरूर लगा है इस तरह के हालात को देखते हुए और उन्हें नई तरीके से सोचना होगा। एक ही केस में चुनाव है उनके लिए और मुश्किल है, जैसे पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, कि वो किस तरह से कैंपेन करेंगे। यूपी में बहुत सारे पेज में है तो अलग अलग मौके मिलते रहेंगे, लेकिन टीवी के माध्यम से बड़े नेताओं का संबोधन ज्यादा से ज्यादा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किए जाएंगे, साफ तौर पर लग रहा है और उसके लिए पार्टियों की तैयारी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चुनावी शोर जो है वो अब रैली, नुक्कड़ नाटक और पद यात्रा, डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो के माध्यम से ना दिखाई दे, डिजिटली वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। हो सकता है कि फोन पर बात कर करके जो आजकल रिकॉर्डेड मैसेजेस आते हैं, ऑडियो मैसेजेस, वो पहुंचाए जाए, लोगों से कनेक्ट किया जाए, इस तरह की तमाम कोशिशें ज्यादा देखने को मिलेंगी। वरुण, एक आखिरी सवाल, आप डिजिटली स्ट्रांग करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन क्या इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि चुनाव में, आपको पता है कि भले ही खर्च सीमा जो है वो सीमित कर दी जाती है या एक राशि कर दी जाती है, जैसे 40 लाख रुपए कर दिया गया है, ऐसे जो चुनाव प्रचार होते थे उसमें धन बल का ज्यादा प्रयोग होता था, धन दिखाकर पैसे बांटकर आपको पता है कि चीजों को कैप्चर किया जाता था, हाईजैक कर लिया जाता था, इस तरह की चीजें होती थी। क्या इसके पीछे चुनाव आयोग का ये भी मकसद है कि ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस तो है ही, लेकिन धन बल का प्रयोग ना हो और मतदाताओं को इफेक्ट ना किया जाए, इसके लिए वर्चुअली किया जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आए? क्या इसका एक पहलू इस तरीके से भी देखा जा सकता है और इसका इम्पैक्ट होगा? देखो, जो चुनाव आयोग की कोशिश रहती है, लेकिन
नेता खुद मानते हैं दरबार ऑफ द रिकॉर्ड की जितना पैसा एक अनुमति मिलती है उन्हें उससे वो कहीं ज्यादा इलेक्शन में खर्च करते हैं। क्योंकि कोरोना है इसलिए वर्चुअली हो रहा है, लेकिन वर्चुअली होने से हो सकता है नेताओं को राहत ये मिल जाए कि जो उन्हें भीड़ इकट्ठी करने के लिए मोबिलाइज करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता था वो उनका इस बार नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फिर वो खर्चा डिजिटल जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो खर्चा वहां करना होगा। हो सकता है कि पब्लिक मोबिलाइज करने के लिए शायद उनकी रैलियां पद यात्रा रोड से नहीं होंगे तो वहां उनका पैसा बचेगा, लेकिन वो फिर किसी भी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सोशल मीडिया पर चुनाव ज्यादा लड़ा जाएगा, टेलीफोनिंग ज्यादा होगा, लेकिन ये पाबंदी कैसी रहती है या फिर घर घर जाकर कैसे बात की जाती है तरीके नए नए आज वाई जरूर जाएगी। उसके लिए हमें इंतजार करना है कि चुनाव आयोग को बंदिशों के बाद हम जो नेता है वो क्या करते हैं, वो उनके पेशानी पर जरूर बल पड़ रहे होंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है, चुनाव कैसे लड़ना है और पारंपरिक क्षेत्रों में कैसे चुनाव लड़ा जाता है वो बहुत अलग है, तो थोड़ा सा चुनाव ही अलग होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों पर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी वरुण गोयल ग्राउंड पर भी मौजूद हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि माथे पर बल पड़ा हुआ है तमाम राजनीतिक दलों के, क्योंकि वर्चुअली रैलियों की तैयारी नहीं थी, क्योंकि अब तक धुआंधार जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटली फाइट करना होगा, एक एक लाइक्स के लिए यहां पर मेहनत करनी होगी और यही वजह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचा दें।